नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आज्ञा चक्र के बारे में, जो हमारे जीवन में उद्देश्य, दिशा और ज्ञान की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों से हमेशा जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है, लेकिन सबसे पहले मेरे पास एक विशेष घोषणा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन ग्रंथों की हमारी समझ को फिर से देखने और गहरा करने की उत्सुकता बढ़ रही है। विशेष रूप से हम यह पता लगा रहे हैं कि वेदों में आधुनिक विज्ञान कैसे परिलक्षित होता है। और अंदाजा लगाइए क्या, हमारे पास हमारे सदस्यों के लिए एक विशेष वीडियो है जो आकर्षक ऋग्वेद में सृष्टि की अवधारणा में गोता लगाता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। हमारे व्यस्त और अक्सर अस्तव्यस्त जीवन में हम सभी उद्देश्य, दिशा और ज्ञान की तलाश में रहते हैं। ऐसे क्षणों में तीसरी आंख चक्र या आज्ञा चक्र बहुत मददगार साबित हो सकता है। यह चक्र हमारे मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित होता है और इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज्ञा चक्र हमारे शरीर और मस्तिष्क के बीच एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है, जो हमें उच्चतर चेतना और बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता है। आज्ञा चक्र, जिसे अजन चक्र भी कहा जाता है, तीन प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलने का स्थान है। इड़ा चंद्र नाड़ी है, पिंगला सूर्य नाड़ी है और सुषुम्ना केंद्रीय नाड़ी है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि और सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। इस चक्र का रंग सफेद होता है और इसका मंत्र है। इसे मन का तत्व अनुपत तत्व कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह एक श्वेत शिवलिंगम है, जो सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है। आज्ञा चक्र के प्रतीक चित्र में दो पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, जो इस बात का संकेत है कि चेतना के इस स्तर पर केवल दो तत्व ही होते हैं, आत्मा और परमात्मा। इस स्तर पर चेतना और प्रकृति पहले ही संयुक्त हैं, लेकिन अभी भी वे पूर्ण एकज्ञ में नहीं समाये हैं। आज्ञा चक्र शिव और शक्ति के एकीकृत रूप का प्रतीक है। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र भूत और भविष्य की घटनाओं को समझने और वास्तविकता के अन्य आयामों को देखने में सक्षम है। यह ऊर्जा केंद्र आपको अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा इस चक्र की ऊर्जा आपको अपने आसपास की घटनाओं के प्रति अधिक सहज और जागरूक बनने में भी मदद कर सकती है। आज्ञा चक्र के गुणों में एकता, शून्यता, सत, चित्त और आनंद शामिल हैं। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता को देखते हैं, इसलिए इसे तीसरा नेत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक है। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु की पीठ है। यह बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है, जो सभी कार्यों में अनुभव किया जा सकता है। उच्चतर नैतिक विवेक की तर्कयुक्त शक्ति के समक्ष अहंकार आधारित प्रतिभा समर्पण कर चुकी है। तथापि इस चक्र में रुकावट का उल्टा प्रभाव होता है, जो व्यक्ति की परिकल्पना और विवेक की शक्ति को कम कर देता है, जिसका परिणाम भ्रम होता है। अब हम जानेंगे आज्ञा चक्र के खुलने के लक्षण। उन्नत अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताएं। जब तीसरी आंख खुली होती है तो आप अधिक संवेदनशील और अंतर्दृष्टिपूर्ण हो जाते हैं और अपने उच्चतर स्व और आध्यात्मिक क्षेत्र से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अधिक स्पष्टता और फोकस। संतुलित आज्ञा चक्र मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। आप स्वाभाविक रूप से अधिक सतर्क और जागरूक होते हैं और कार्यों, विचारों और सोच पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। रचनात्मकता में वृद्धि। यह ऊर्जा केंद्र आपकी कल्पना और रचनात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप खुले और संतुलित होते हैं तो आप अपनी रचनात्मक क्षमता का उपयोग करने में अधिक सक्षम होते हैं, जिससे आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति और नवीनता बढ़ती है। गहरा आध्यात्मिक संबंध। तीसरी आंख चक्र का खुलना अक्सर आपके आध्यात्मिक स्व और दिव्य के बीच एक गहरे और गहन संबंध के रूप में प्रकट होता है। यह आपको चेतना के उच्च स्तरों तक पहुँचने, स्वयं के बारे में अधिक ज्ञान और समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अधिक आत्म जागरूकता। तीसरे नेत्र चक्र के अवरोध के बिना आप अपने विचारों, भावनाओं और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। यह बढ़ी हुई आत्म जागरूकता आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जिससे आपको अपने मनचाहे जीवन के लिए एक दृष्टि बनाने में मदद मिलती है। चिंता और तनाव में कमी।
संतुलित आज्ञा चक्र आपको तनाव और चिंता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। आप अपने भीतर से जुड़ने और अपने मन को शांत करने में सक्षम होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शांति और विश्राम मिलता है। अब हम यह जानेंगे कि आज्ञा चक्र को कैसे खोला जा सकता है। योग अपने आज्ञा चक्र को खोलने का सबसे अच्छा तरीका योग है, विशेष रूप से शीर्षासन। शीर्षासन न केवल आपके कर को मजबूत करने और आपके कंधों को खोलने का एक अच्छा तरीका है, बल्कि यह आपकी तीसरी आंख के संपर्क में आने का भी एक शानदार तरीका है। जब आप उल्टे होते हैं तो सारा रक्त आपके सिर की ओर दौड़ता है और आपको अधिक सतर्क और वर्तमान महसूस करने में मदद करता है। ध्यान भी आज्ञा चक्र को खोलने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें और इस बात की कल्पना करें कि एक उज्ज्वल प्रकाश आपके माथे के बीच से निकल रहा है। यह आपके चक्र को सक्रिय कर सकता है और आपको गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। होशपूर्वक सांस लेना। अपनी नाक से कुछ गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस लेते समय कल्पना करें कि हवा आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊपर की ओर बह रही है और आपकी तीसरी आंख में जा रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि हर सांस के साथ सारा तनाव, चिंता और बेचैनी बाहर निकल रही है। मंत्र जाप। मंत्र का जाप करना आज्ञा चक्र को खोलने का एक शक्तिशाली तरीका है। ध्वनि एक उच्च कंपन उत्पन्न करती है जो आपके चक्र को सक्रिय कर सकती है। रोजाना इस मंत्र का जाप करने से आपको अपने चक्र को खोलने में मदद मिल सकती है। सभी प्राणियों से जुड़ाव महसूस करना। तीसरा नेत्र चक्र आपको ब्रह्मांड से जोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। जब आप उस जुड़ाव को महसूस करें तो किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको अच्छा महसूस कराती हो और उसे सकारात्मक ऊर्जा भेजें। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी सोच सकते हैं जिसे प्यार की जरूरत है और उसे अपना प्यार भेजें। प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति में समय बिताना और प्रकृति की सुंदरता को निहारना आज्ञा चक्र को खोलने का एक प्रभावी तरीका है। जब आप प्रकृति में होते हैं तो अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें और इस बात की कल्पना करें कि प्रकृति की ऊर्जा आपके चक्र में प्रवेश कर रही है और इसे सक्रिय कर रही है। आहार। संतुलित आहार भी आज्ञा चक्र को खोलने में मदद कर सकता है। अपने आहार में अधिक ताजे फल, सब्जियां, नट्स और बीज शामिल करें। इससे आपके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने और आपके चक्रों को सक्रिय करने में मदद मिलती है। स्वयं सेवा। दूसरों की मदद करना और सेवा करना भी आज्ञा चक्र को खोलने का एक तरीका है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हैं जो आपके चक्रों को सक्रिय कर सकती है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करने से आप जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक विकास में मदद करता है बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और सफलता लाता है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। नियमित अभ्यास और सही दृष्टिकोण के साथ आप अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है। बस हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से गोता लगाएंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में आपको देखने के लिए बेताब हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें।
मुझे अल्फाटप क्यों पसंद है। अल्फाटप छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटप बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटप मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टप शीट और टप कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटप का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटप ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टप कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटप देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।